अंबानी घराने में पैदा होने पर मुकेश और अनिल अंबानी को बचपन में भले ही चांदी की थाली और सोने के चम्मच से लंच डिनर नसीब हो गया हो, मगर उन्हें इस राजशाही घाट तक पहुंचाने वाले उनके पिता धीरू भाई का बचपन बहुत तंगहाली में बीता। धीरू के पिता शिक्षक भले थे, मगर कमाई इतनी नहीं कि पूरे परिवार का पेट पाल सकें। गरीबी से कभी कभी परिवार को आधे पेट खाकर या फिर भूखे ही सोना पड़ जाता था। घर की माली हालत खराब होने पर धीरू भाई को गिर पहाड़ के पास तीर्थयात्रियों के लिए चाय पकौड़ी की दुकान चलानी पड़ी। किसी तरह धीरू भाई ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की तो बड़े भाई ने यमन के अदन शहर अपने पास आने का बुलावा भेजा। फिर गुजरात के चोरवाड़ गांव से एक दिन यह 16 साल का लड़का जेब में 500 रुपए लेकर निकल पड़ता है। दिलो दिमाग में बस एक ही बात, घर से गरीबी को भगाना है। धीरू का बोटा शिप से पहुंचे यमन, फिर अदन शहर। यहां भाई की मदद से एबीसी अन कंपनी के पेट्रोल पंप पर 300 रुपए महीने की नौकरी मिल गई। काम था कभी गाड़ियों में तेल भरना तो कभी साथियों की निगरानी करना। धीरू के जीवन में यह टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और अच्छे दिन आने शुरू हो गए, क्योंकि इस विदेशी सफर ने पहली बार धीरू की आंखों में बड़ा बिजनेसमैन बनने का सपना पैदा कर दिया। और इस सपने ने उन्हें तब तक चैन से सोने नहीं दिया जब तक वे 2000 में देश के सबसे रईस आदमी नहीं बन गए और 6 जुलाई 2002 को चिरनिद्रा में लीन होने के साथ ही उनके सपनों की उड़ान भी खत्म हुई। अदन शहर के पेट्रोल पंप पर धीरू भाई ने इतनी शिद्दत से नौकरी किया कि मालिक ने पेट्रोल पंप का मैनेजर बना दिया। मगर धीरू भाई अंबानी के दिल में तो कुछ और सपने बसे थे। इसी सपने को साकार करने के लिए 1952 में धीरू भाई वापस भारत आ गए। घर से 500 रुपए लेकर गए थे और वहां से कमाकर जेब में 15,000 रुपए लाए। अंबानी ने बिजनेस शुरू करने से पहले जरूरत को देखा। पता चला कि देश में पॉलिस्टर की तो विदेश में मसाले की मांग ज्यादा मांग है, जिस पर उन्होंने मस्जिद बंदर के नरसिंहनाथ सड़क पर रिलायंस कॉमर्स कॉरपोरेशन की नींव डाली। धीरू भाई अंबानी देश का टेक्सटाइल किंग बनना चाहते थे। 1966 में उन्होंने विमल ब्रांड की शुरुआत की। खास किस्म की बिजनेस स्ट्रेटजी से कुछ ही वर्षों में विमल ब्रांड देश का सबसे चर्चित ब्रांड बन गया।